एक कर्ता का रोल होता है एक फैमिली में, वही रोल गवर्नमेंट का होता है इन अ कंट्री, इन एन इकोनॉमी। सो जैसे कि कर्ता की क्या जिम्मेदारी है, कर्ता की जिम्मेदारी ये है कि पूरे परिवार का डेवलपमेंट हो। कर्ता कभी ये नहीं चाहेगा कि आधे लोगों का डेवलपमेंट हो, आधे लोगों का डेवलपमेंट ना हो। तो कर्ता चाहेगा कि सब लोगों का डेवलपमेंट हो, सबको एजुकेशन मिले, सबको सारी फैसिलिटीज़ मिले, सबकी ग्रोथ हो। ये कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गवर्नमेंट की भी है। तो गवर्नमेंट को भी क्या करना है, गवर्नमेंट को भी उसी तरीके से पूरे देश की लोगों की तरक्की करनी है। अगर देश का नेता इस सोच वाला हो तो उस देश की प्रगति होती है, और अगर देश का नेता ये सोच वाला ना हो तो वो देश तकलीफ में रहता है। दुर्भाग्य से ये हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हमारी जो पास्ट लीडरशिप थी, अनफॉर्चुनेटली और इंसिडेंटली, सॉरी टू से, दे डिड नॉट हैव द राइट विजन। दे डिड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ वेल बींग ऑफ एवरी वन इन द कंट्री। दे लुक्ड एट मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एज टू हाउ टू कम बैक टू द पावर टाइम एंड अगेन। एंड रिमेंबर, दैट इज़ द कर्स दैट दिस कंट्री हैज़ सफर्ड। सो टुडे वॉट एवर बैड प्लाइट दैट वी आर इन इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दोज रोंग रॉन्ग अप्रोच एंड द रॉन्ग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द पास्ट बाई द लीडरशिप। सो वॉट द लीडर शुड हैव डन देन एंड नाउ इज यूज डिफरेंट टूल्स अवेलेबल विद यू फॉर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ ऑफ एवरी वन। तो घर का कर्ता क्या करेगा, घर का कर्ता घर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगा। घर का कर्ता घर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करेगा, वो जो भी कमाई, पहले तो पक्का करेगा कि घर के लोगों की कमाई बढ़े। घर का अगर बिजनेस है तो बिजनेस की कमाई बढ़े। फिर वो पक्का करेगा कि वो जो घर का जो जो कमाई हो रही है उसका खर्चा कुछ इस तरह से हो कि सबका सबकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती रहे, और साथ साथ कुछ बाजू में बचा के रखा जाए ताकि कल को अगर कुछ तकलीफ वाले दिन आते हैं तो उस समय ये पैसा यूज़ में आना चाहिए। तो उसके लिए उसके पास में जो टूल है, सेम टूल्स आर ऑल्सो अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास में पहला टूल क्या है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को समझ के लीजिए, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, फिस्कल पॉलिसी इज़ नथिंग बट द फाइनेंशियल पॉलिसी। सो जिस तरह से हम एक कंपनी के लिए बोलते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट के लिए हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, लेट अस लुक एट दैट। सो दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी, नंबर वन इज अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। सीधी सी बात है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। जिस तरह से घर के कर्ता की जिम्मेदारी होती है कि सब लोगों को रोजगार मिले, सब लोग काम पे जाएं, सब लोग मेहनत के कमाएं, उसी तरह से गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जितने लोग हैं देश में उन सबको रोजगार मिले, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज़ वाई वी नीड द गवर्नमेंट। वी डू नॉट नीड द गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ इट और फॉर द हैक ऑफ इट। वी नीड द गवर्नमेंट सो दैट एवरीबडी इन द कंट्री गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वैन एवरीबडी गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट देन दे आर एबल टू अर्न मनी, एंड वेन दे आर एबल टू अर्न मनी दे आर ऑटोमेटिकली एबल टू इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड एंड द लिविंग स्टैंडर्ड। सो दैट इज ऑब्जेक्टिव नंबर वन। एंड आप सब समझ सकते हैं, डोंट लुक एट इट थियोरेटिकली, लुक एट इट प्रैक्टिकली, लुक एट इट प्रैक्टिकली। तो गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी है कि सबको एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। नंबर टू, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सो दैट मीन्स इफ द प्राइसेज आर इंक्रीजिंग एंड देर इज नो एम्प्लॉयमेंट, एंड और टू टॉप इट फर्दर दी ओके देर इज एन एम्प्लॉयमेंट बट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इनफ, एंड टू टॉप इट फर्दर इफ देर इज अ इंस्टेबिलिटी इन द प्राइसेज, दैट मीन्स द प्राइसेज आर गोइंग अप, वॉट इज गोइंग टू हैपन, द स्टेट ऑफ द पीपल इज गोइंग टू बी पुअर। लोग तकलीफ में रहेंगे, लोग दुखी रहेंगे। एंड रिमेंबर, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए तो कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो, ना कि लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, ऊपर से प्राइस को स्टेबिलिटी करेगी, तो उससे क्या होगा, उससे लोगों की लाइफ ईजी होगी। एंड दैट इज़ वॉट इज अ गवर्नमेंट इज सपोज टू बी डूइंग। नंबर थ्री, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोसाइटी में इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, डिस्पेरिटी ज़्यादा है, तो उस सोसाइटी में क्राइम रेट्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। और इन एनी केस रिमेंबर, अगर मेरा नेबर अगर भूखा सो रहा है, आई हैव नो राइट टू बी हैप्पी। इफ माई नेबर इज स्लीपिंग ऑन एम्प्टी स्टमक बिकॉज ही डज नॉट हैव मनी, आई हैव नो रीजन टू बी हैप्पी। डजेंट रियली मैटर एज टू हाउ मच वेल्थ आई हैव। सो इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी दैट देयर मस्ट बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हु कैन इंश्योर इट, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर इट।
एंड दैट इज वाई रिमेंबर द टैक्स रेट्स दैट वी हैव. द टैक्स रेट्स आर नॉट फ्लैट, दे आर विद द स्लैब्स. एंड वाई दे आर विद द स्लैब्स, बिकॉज द आइडिया इज टू टैक्स मोर टू द पीपल हु आर अर्निंग मोर. एंड वाई इज दैट सो? सो दैट सो एज टू एंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. एंड फोर्थ इज एक्सेलरेशन ऑफ द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये चौथी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो. अब देखिए, आपका परिवार है, मेरा परिवार है, हम सबका परिवार है. हमारे परिवार कब खुश रहेगा, हमारे परिवार में खुशहाली कब आएगी, हमारे परिवार में प्रॉस्पेरिटी कब आएगी? हमारे परिवार में प्रॉस्पेरिटी खुशहाली तब आएगी जब हमारे परिवार की इनकम लगातार बढ़ती रहे. तो हमारे परिवार की इनकम इज लाइक द GDP ऑफ द कंट्री. सो द इनकम ऑफ योर्स एंड माइन इन आवर फैमिली इज लाइक द GDP ऑफ द कंट्री. तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है, मेरी इनकम बढ़ती है, आपके घर में खुशहाली आती है, मेरे घर में खुशहाली आती है, उसी तरह से अगर कंट्री की GDP बढ़ती है तो पूरे कंट्री में खुशहाली आती है. एंड दैट इज देन अगेन इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन. इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ अ फैमिली ऑफ द कर्ता ऑफ द फैमिली, एंड इन केस ऑफ द गवर्नमेंट, इन केस ऑफ द कंट्री, इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. सो फ्रेंड्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच अ गवर्नमेंट और ऑब्लिगेशन विच अ गवर्नमेंट हैज टू फुलफिल. एंड ये ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक जो टूल है गवर्नमेंट के हाथ में, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी. एंड देखो, कोई मुश्किल बात नहीं है. फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? फिस्कल पॉलिसी का मतलब यह है कि अगर मुझे मेरे घर की फाइनेंस को तरीके से मैनेज करना है तो मुझे एक सिस्टमेटिक अप्रोच लगानी पड़ेगी. एंड वॉट दैट सिस्टमेटिक अप्रोच दैट आई अप्लाई फॉर मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ माई फैमिली इज फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ माई फैमिली. एंड लाइक वाइज अ गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू डू द सेम थिंग. द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू डू द थिंग सो दैट कंट्रीज डेवलपमेंट हैपन्स. तो उसके लिए भी उनको पॉलिसी बनानी पड़ेगी. पॉलिसी बनानी पड़ेगी मतलब क्या है? पॉलिसी बनानी पड़ेगी मतलब ये कि उनको मालूम करना पड़ेगा कि किस तरह से ये चारों चीज़ें, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड दी एक्सेलरेशन ऑफ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चार चीज़ों को कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को. तो वो फिस्कल पॉलिसी के हिस्से में आ गया. अब फिस्कल पॉलिसी में क्या आएगा? फिस्कल पॉलिसी में चार चीज़ें आएंगी. सो वॉट आर द टूल्स दैट द गवर्नमेंट हैज एज पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल, सी रिमेंबर, फिस्कल पॉलिसी इज नॉट ए डॉक्यूमेंट विच इज कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ द यूनिवर्स. नो, फिस्कल पॉलिसी का सिंपल सा मतलब यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट पक्का कर सकती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, सबको एम्प्लॉयमेंट हो, राइट? सो वॉट आर द थिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन यूज? फोर थिंग्स गवर्नमेंट कैन यूज. सो दैट कैन बी रेफर्ड एज टूल्स ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट. वॉट आर दीज फोर थिंग्स? नंबर वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? नंबर वन. नंबर टू टैक्सेस. नंबर थ्री पब्लिक डेट. नंबर फोर बजट. अब समझ के लीजिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए? GDP बढ़ना चाहिए. तो GDP बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी चाहिए. इकोनॉमिक एक्टिविटी कब बढ़ेगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ेगी व्हेन देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट एंड प्लस देयर इज इनफ कैपिटल इन द मार्केट एंड प्लस पीपल आर प्रिपेयर टू इन्वेस्ट मनी इनटू द न्यू एक्सपेंडिचर. तो ये अगर होगा तो फिर इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी और GDP बढ़ेगी. अब कई बार क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फियर there may be a slump and in those times it becomes the responsibility of the government to pep up the investment, to increase, to improve the atmosphere of the economy. So like what I am sure all of us are seeing, ever since the corona has happened, obviously the business across the country have gone down under. And as a result of that, people are having less purchasing power in their hands. So the government from time to time have been coming out with different packages. So it came out with a stimulus package of 20 lakh crore. So why that stimulus package of 20 lakh crore is again to ensure ease of life of the people. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई. उसमें MSMEs के लिए पैकेज है. उसमें वो उन कंपनीज के लिए पैकेज है जिनका कि टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ है. उसमें फिर
सबॉर्डिनेट डेट फंड है, उसमें एक्विटी इन्फ्यूजन का प्रोविजन है उसमें। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे फैसिलिटीज़ दी, रियल एस्टेट के सेक्टर को 6 महीने का ऑटो एक्सटेंशन ग्रांट कर दिया, गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको 6 महीने का ऑटो एक्सटेंशन ग्रांट कर दिया। और उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में अगर कोई ऑर्डर 200 करोड़ के से कम का है तो उसमें ग्लोबल कंपनीज को इनवाइट करने से मना कर दिया। सो ऑल दीज थिंग्स दी गवर्नमेंट, एंड प्लस ऑफ कोर्स एज यू ऑल ऑफ अस नो, दी गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो आस्क दी बैंक्स टू एक्सटेंड दी मॉरेटोरियम पीरियड टू दी बोरोवर्स during the period of the corona, so that because of the corona people do not have money. Since they do not have money, they cannot pay their EMIs or whatever. Since they cannot pay the EMIs and they should not suffer on account of this, officially the banks have allowed you the moratorium period. So what in an atmosphere like this government ne kya karna chahiye economic activity ko badhane ke liye? Recession hai तो रिसेशन में गवर्नमेंट क्या करती है, रिसेशन में गवर्नमेंट यूज़ करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे यूज़ करती है, गवर्नमेंट इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो व्हाट हैपेंस, द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी इंप्रूव्स। सो नंबर वन, दैट एड्स टू द GDP। नंबर टू, बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर गेटिंग मनी इन देयर हैंड्स, सो दे आर इंप्रूविंग देयर परचेजिंग पावर। एंड दे आर नॉट ओनली इंप्रूविंग देयर परचेजिंग पावर बट दे आर ऑल्सो इंप्रूविंग देयर इन्वेस्टमेंट पावर। So they are also encouraged to make fresh capital expenditure, which ultimately helps to economy to come out of the recession. That's number one. Number two, taxes. How will the government use the taxes for bringing the change in the economy? Market economy is doing very well. Sab kuch bahut badhiya chal raha hai. Demand first class hai. Production first class hai. GDP growth tremendous hai. All companies are making huge profit. All employees are earning damn good salaries. So everybody is earning very good. Everything is going fine. So what the government would do? Government would use the taxes, increase the taxes. Why increase the taxes? Because this ultimately government does not have government does not produce money. Government only collects revenues and taxes. So the government increases the taxes. And by increasing the taxes, the government gets more money in their hands. And with the more money in their hands, what they are able to do, they are able to spend more money on the capital expenditure. Hopefully, that is what they should do. Unfortunately, in our country, for a very long time, the fiscal management was absolutely terrible. It was so bad. In 1991, we were about to be bankrupt as a country. We were rather bankrupt. We went to the IMF and took the help of the IMF at that point in time. So if the government follows wrong policies, the whole country comes in trouble, and that is what happened in 1991. So abhi kya hoga, sab kuch acha chal raha hai, government tax bada degi, tax badhayegi, koi problem nahi hai, government tax badhaye koi problem nahi hai. Khali government ne kya karna chahiye ki wo jo paisa collect kiya hai uska istemal corruption mein nahi hona chahiye, उसका इस्तेमाल साइफरिंग में नहीं होना चाहिए, उसका इस्तेमाल ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस या अनस्क्रूपुलस बिजनेसमैन की पॉकेट में नहीं जाना चाहिए। उसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, उसका इस्तेमाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में होना चाहिए। सो दैट इज हाउ द टैक्सेस। अच्छा, दूसरा, इकोनॉमी इज इन बैड शेप, रिसेशन है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट टैक्सेस को नीचे कर देगी। क्यों नीचे कर देगी, इसलिए नीचे कर देगी क्योंकि गवर्नमेंट अगर टैक्सेस को कम करती है तो कॉर्पोरेट्स के हाथ में जो कैश बचता है वो ज़्यादा होता है। सो दी कॉर्पोरेट वुड बी एबल टू यूज दैट कैश फॉर इनकरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो व्हेन दे इनकर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन व्हाट हैपेंस, देर इज मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड देर इज मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट मीन्स देर इज मोर एम्प्लॉयमेंट, सो इट बिकम्स अ मल्टीप्लायर, एंड दैट मीन्स इट रिजल्ट्स इनटू पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी and in turning the economy around. So this is how the taxes are used. Public debt, same way. So what is a public debt? Public debt is money that the government gets from the public. That is public debt. तो अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्पैक्ट करना है, सो द गवर्नमेंट विल ऑल्सो यूज द पब्लिक डेट टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। सो हाउ विल इट डू इट, क्या होगा अगर गवर्नमेंट पब्लिक डेट रेज करती है, तो पब्लिक डेट रेज करने से क्या होगा, गवर्नमेंट के पास में पैसा पहुंचेगा तो गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर सकती है, और अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करेगी तो उसका एडवांटेज क्या होगा, उसका एडवांटेज ये होगा कि उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट विल यूज़ दी
पब्लिक डेट एंड फाइनली द बजट. व्हाट इज बजट? वी ऑल नो बजट इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट विच इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन एवरी 1st February. अर्लियर इज टू बी एंड ऑफ द मंथ, नाउ इज 1st February इन द पार्लियामेंट. सो व्हाट इज द यूटिलिटी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ बजट? सी, सिग्निफिकेंस ऑफ बजट इज इट इज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट. नॉट ओनली इट प्रेजेंट्स टू द पार्लियामेंट एज टू व्हाट आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इन नेक्स्ट 12 months. नॉट ओनली इट प्रेजेंट्स दैट, बट इट ऑल्सो वर्क्स एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट. इट टेल्स द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट एज टू हाउ द गवर्नमेंट विशेज टू टेक द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री फॉरवर्ड. एंड देयरफॉर द बजट इज ऑल्सो यूज बाय द गवर्नमेंट्स फॉर bringing a positive difference in the economy. So friends, these are the 4 tools in the hands of the government. Now remember, there are 2 policies. One is fiscal policy, second is monetary policy. So fiscal policy is like financial management of a company. Treasury management, in a company you will also have a treasury manager, you will have the finance CFO and you will have a treasury manager. So treasury manager ka kaam kya hai? Treasury manager ka kaam hai to manage the money coming in and money going out. That is the role of the treasury manager. What is the role of the CFO? Role of the CFO is to generate resources, not only to generate resources but also deploy those resources in a way so that the company increases more, a company earns more profit. So likewise, in case of government also, you have a CFO and you have a treasury manager. Reserve Bank of India is the treasury manager and finance ministry is the CFO. So what finance ministry does, it uses the fiscal policy. What the RBI does as the treasury manager, it uses the monetary policy. But remember, doesn't really matter whether it is finance ministry or it is RBI, dono ka role, dono ki responsibility ek hi hai. Aur wo kya hai? To help the government achieve inclusive growth for everybody. So therefore, RBI governor cannot work in isolation. Unfortunately, in the past, there have been few instances where some governor thought that they were independent of the government of India, and which I think is most irrational thought that any governor can have. You are governor, that means you are only a treasury manager. And as a treasury manager, you have to ensure that whatever you do is in line with the objective of the government, is in line with the goals of the government. So RBI's goals cannot be independent of the goals of the government of India, and that is what has to be remembered. So now, what is the monetary policy? Monetary policy is the second document, and second document. Monetary policy kya hai? Monetary policy is to manage the money supply in the economy. And why manage the money supply in the economy? Because to some extent, it can have an impact on the demand and supply. तो अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा है इकोनॉमी में, तो there is a possibility of inflation going up. But in my view, this is not 100% true. It is partially true. So if the productive activity is less in the economy and there is more supply in the economy of money in the economy, then there is a possibility of the inflation going up. But if there is enough and adequate supply of all the goods in the economy and there is a good supply of the money also, it will not result into inflation. Inflation, remember, is a function of demand and supply. It has got not much to do with the supply of the money. Agar supply or demand for the goods are matching in the economy, there is no scope for any inflation happening. Inflation will happen only when the supply is far too less than the demand. To agar supply kam hai, demand zyada hai, to inflation badhega. Agar supply or demand matching hai, to fir inflation badhne ka koi karan नहीं है. ओनली थिंग इज द गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर दैट सप्लाई इज देयर, बट इट शुड ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेबल. सप्लाई हो रही है आसाम में, प्रोडक्शन हो रहा है आसाम में, तो प्रोडक्शन तो हो रहा है,
और इतना हो रहा है कि पूरी कंट्री की खपत हो जाए उसमें, लेकिन वो वहीं पड़ा है, कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज सप्लाई इज देयर ओनली थियोरेटिकली। सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब है इट शुड बी अवेलेबल एट द डोर स्टेप ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज द सप्लाई। सप्लाई इज नॉट मेयरली प्रोडक्शन, सो सप्लाई इज प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एट द डोर स्टेप्स ऑफ द कंज्यूमर। ओके, नाउ बिफोर वी डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी फर्दर, लेट अस लुक एट की टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बजट ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट। अब देखिए, आपने हर बार सुना होगा जब भी whenever the finance minister is presenting the budget in the parliament, there is always a discussion about what is the revenue deficit, and then you have a fiscal deficit, and then you have a primary deficit. So RD, FD, PD. अब इसके ऊपर बताऊं कि एक क्वेश्चन इस पर जरूर आता है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर आता है, और वो क्या आता है? वो क्वेश्चन जनरली होता है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? वेरी सिंपल, ऑल द रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफरेंस इज रेवेन्यू डेफिसिट, इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या फ़र्क है? तो जिस तरह से कंपनियों में होता है, कंपनी में यू गॉट अ रेवेन्यू रिसीट एंड यू गॉट अ कैपिटल रिसीट, सो लाइक वाइज इन केस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट ऑल्सो यू हैव अ रेवेन्यू रिसीट एंड यू हैव अ कैपिटल रिसीट। सो वॉट इज अ कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट इज दी लोन्स विच आर बींग रेज्ड बाय द गवर्नमेंट within the country or outside the country, that is a capital receipt, or repayment of the loans that the government may have given, that is also part of the capital receipt. And what is revenue receipt? A revenue receipt is money that is coming to the government on account of dividend from the PSUs, on account of the tax collection, direct as well as the indirect collection, and on account of all such payments, that is revenue receipt. Okay, so what is revenue deficit? Revenue receipt minus the revenue expenditure, difference is revenue deficit. Then you got a fiscal deficit. What is fiscal deficit? Very simple, all the receipts put together, revenue receipt and the capital receipt put together minus the revenue expenditure and the capital expenditure put together. In a way, all revenues minus all expenditure is your फिस्कल डेफिसिट, एंड दिस नंबर इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है फाइनली टू रीच टू अ फिगर ऑफ 3%, द फिस्कल डेफिसिट शुड बी 3%, दैट इज द टारगेट दैट द गवर्नमेंट हैज़, एंड आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड। ये डेफिसिट का क्या मतलब है? ये डेफिसिट का मतलब है कि आपकी फैमिली है, मेरी फैमिली है ना, और आपकी फैमिली और मेरी फैमिली का अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते बैठे और हम देखें कि हमारी सारी इनकम क्या, सारी इनकम माइनस सारे एक्सपेंसेस, वो माइनस नहीं जा रहा है फिगर, तो आई एम श्योर इट्स अ रीज़न फॉर अस टू वरी। दैट मीन्स वी आर शॉर्ट ऑफ मनी। सो लाइक वाइज इन केस इफ देर इज अ डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इन द बजट ऑफ अ कंट्री, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। एंड वाई इट इज़ नॉट अ गुड साइन? दैट मीन्स सम हाउ द कंट्री इज नॉट एबल टू जनरेट इनफ फंड्स टू मीट इट्स ओन रिक्वायरमेंट, एंड देयर फॉर दिस डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट हैज़ टू बी फंडेड बाय वे ऑफ डेट। तो उसके लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। उधार लेने में प्रॉब्लम क्या है? सबको मालूम है, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। द प्रॉब्लम विद द बोरोइंग इज व्हेन यू बोरो द मनी, नंबर वन यू हैव टू पे इट बैक वन डे, एंड नंबर टू यू ऑल्सो इनकर इंटरेस्ट ऑन इट, यू ऑल्सो हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इट, एंड दैट इज द वरी इन केस ऑफ द बोरोइंग्स। देन यू हैव अ प्राइमरी डेफिसिट। सो वॉट इज प्राइमरी डेफिसिट? एंड रिमेंबर, इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट तो आपके टोटल रेवेन्यूज माइनस टोटल एक्सपेंडिचर विल गिव यू फिस्कल डेफिसिट। इस फिस्कल डेफिसिट में से आप क्या करिए, इसमें से माइनस करिए। क्या माइनस करिए? माइनस द इंटरेस्ट दैट द इंटरेस्ट विच अ गवर्नमेंट इज पेइंग ऑन द लोन्स दैट इट हैज़ टेकन इन द पास्ट। तो वो माइनस करेंगे तो आपको बचेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट।
एंड ये प्राइमरी डेफिसिट सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट बताती है कि ऑपरेशनली आपके पास में कितने फंड्स की शॉर्टेज है, क्योंकि जो इंटरेस्ट को जो कॉस्ट है, सी इंटरेस्ट कॉस्ट, रिमेंबर इंटरेस्ट दैट द गवर्नमेंट हैज टू पे ऑन द डेट इट हैज टेकन, इट इज नॉट एन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। सो इंटरेस्ट कॉस्ट विच द गवर्नमेंट इज इनकरिंग और हैज टू पे, इट इज बिकॉज गवर्नमेंट हैज टेकन लोन्स इन द पास्ट। इफ द गवर्नमेंट वुड नॉट हैव टेकन लोन्स इन द पास्ट, दिस इंटरेस्ट वुड नॉट हैव बीन देयर। सो देयरफॉर रियली स्पीकिंग, व्हाट इज द मेन वरी for the government of a country, the main worry is the primary deficit. Why primary deficit? Because that deficit is coming from the operational part of it, and that is the your primary deficit. So this is your revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit. Now we look at the monetary policy. So monetary policy, as we mentioned, remember, monetary policy is what, how to manage the funds, how to manage the money situation, money supply situation in the country. That is your monetary policy. And who is responsible for monitoring the monetary policy of the country? It is the Reserve Bank of India. And please remember and tell everybody, Reserve Bank of India cannot be independent of the government of India. Reserve Bank of India and the governor of Reserve Bank of India has to be subservient to the goals of the country, goals of the country. So jo government ke jo country ke jo goals hain, Reserve Bank of India has to align its thinking in line with the goals of the country, and that is what is very, very important. For that, Reserve Bank of India is given autonomy, that is वो दिया हुआ है, लेकिन वो autonomous उनको बनाया हुआ है, जो freedom दी हुई है, वो freedom इसलिए नहीं दी है कि आप कुछ भी करते बैठो, वो freedom इसलिए दी है ताकि आप responsibly काम करो, और ऐसा काम करो जिससे कि country की economy को फायदा हो। So what are the objectives of the monetary policy? Number one, rapid economic growth, price stability, exchange rate stability, balance of payment equilibrium, full employment, neutrality of money, equal income distribution. So these are the objectives of the monetary policy also. Or I am sure friends, agar aap isko gaur se dekhenge, to aapke dhyan mein aayega ki monetary policy ke jo objective hain, all these objectives are in line with the objectives of the fiscal policy also. And that is what I was saying, that Reserve Bank of India has to align its thinking and approach in line with the thinking of the government of India, in line with the goals of the government of India. It is not the government of India, it is any government. For any government, goal is inclusive growth, goal is equal distribution, goal is price stability, goal is 100% employment. And remember, that is what a leader has to do. That is what a government has to do. Unfortunately, in our country, we have many leaders, but not all leaders think the way they should think. Not all the leaders think in terms of 100% employment. Not all the leader thinks in terms of price stability. Not all the leaders thinks in terms of acceleration of the growth of the economy. And that is the biggest problem, because if all the leaders start thinking in these lines, I can tell you the growth of our country will shoot up like anything. And why do I say this? Because we in India and Japan, we got independence in the same year, that is 1947. They got independence in May, we got independence in August, and just see where they are today and where we are today. A big difference. And why the big difference? Because the leaders in Japan thought the way they should think. They thought in terms of inclusive growth. They did not think in terms of chair. They did not think in terms of power. They thought in terms of how to ensure inclusive growth. They thought in terms how to ensure economic growth acceleration. They thought in terms of price stability. They thought in terms of equal distribution of wealth and income. And they thought in terms of 100% employment for everybody. And that is what makes the difference. So the objectives of the monetary policy are as I have just shared with you. And so what are the tools available for the implementation of the monetary policy? Cash reserve ratio, I'm sure all of you know, something which is known as CRR, SLR, statutory liquidity ratio, repo rates, reverse repo rates, bank rate, open market operations, and quantitative
ईजिंग. सो दीज आर द टूल्स विच आर अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दीज टूल्स मेनी टाइम्स. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारे के सारे टूल्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द सिस्टम. टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द सिस्टम. एंड बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द सिस्टम, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द इन्फ्लेशन, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन. एंड दैट इज वॉट दे आर सपोज टू बी doing. So this is what is, friends, monetary policy, and I'm repeating it once again, it has to be aligned with the fiscal policy, it has to be aligned with the goal of government of any country. With this, friends, we come to the last part of the topic on in case of the macroeconomics. And what is the last part? The last part is trade, business and economic cycle. अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये टॉपिक को थियोरेटिकली मत देखिए. डोंट लुक एट दिस थियोरेटिकली, बिकॉज दिस टॉपिक इज ऑफ इमेंस वैल्यू. दिस टॉपिक इज ऑफ इमेंस वैल्यू बिकॉज ये जो है, ये जो ट्रेड है, ट्रेड साइकिल है, या बिजनेस साइकिल है, या इकोनॉमिक साइकिल है. तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप उसको ट्रेड साइकिल कहो, इकोनॉमिक साइकिल कहो, बिजनेस साइकिल कहो, तीनों का मतलब एक ही है. और ये तीनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. सो कोई इसको ट्रेड साइकिल बोलेगा, कोई बिजनेस साइकिल बोलेगा, कोई इकोनॉमिक साइकिल बोलेगा, पर अल्टीमेटली व्हाट दे आर रेफरिंग इज द सेम थिंग. और ये साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस साइकिल हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फ्रेम द पॉलिसी. बिकॉज ये साइकिल से मालूम पड़ेगा कि कंट्री की इकोनॉमी कहाँ पर है, और कंट्री की इकोनॉमी कहाँ पर है उसके हिसाब से गवर्नमेंट फिर अपनी पॉलिसीज को फ्रेम कर सकती है. तो हम उसको देखेंगे. लेट अस लुक एट इट नाउ. सो दिस इज योर ट्रेड बिजनेस एंड इकोनॉमिक साइकिल. तो आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, दिस ट्रेड साइकिल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. एज यू कैन सी, वन इज कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड इज एक्सपेंशन. बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी देश की इकोनॉमी एट एनी पॉइंट इन टाइम विल बी आइदर इन अ कॉन्ट्रैक्शनरी फेज और इट विल बी इन एन एक्सपेंशनरी फेज. किसी भी कंट्री की इकोनॉमी विल बी आइदर ऑफ इन आइदर ऑफ दीज टू हेमिस्फेयर. तो या तो वो इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसका, या फिर वो एक्सपेंड हो रही है. सो देयर आर दीज टू फेजेज. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू अ कॉन्ट्रैक्शनरी फेज और रिसेशनरी फेज, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स गवर्नमेंट नीड्स टू बी मोर प्रोएक्टिव. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बीइंग मोर प्रोएक्टिव? The meaning of government being proactive, that means the government has to take initiatives and measures so as to pep up the economic activity of the country. That means the government has to come out with the policy framework that will encourage more investment by the businessmen, that will encourage more production by the manufacturing. So that is what is required. Why? Because if the country is passing through a recessionary phase, and I can again give you an example of a family, तो आप समझ के लीजिए कि अगर एक परिवार, एक फैमिली, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, अगर हमारी इनकम सडनली कम हो जाए, what will happen to us? Everyone in the family will come under depression. Everybody in the family will come under stress. Right? So what is the way out to come out of this depression, to come out of this stress? The way out to come out of this depression or this stress is to do the things that would increase income of the family. So likewise, when the economy of the country is passing through a recessionary phase, it has a negative impact on the psychology of the people. People, recession in the economy leads to depression in the minds of people. Recession in the economy leads to depression in the minds of people. So therefore, the government has to do things. So उसके लिए क्या गवर्नमेंट करेगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी. जैसे कि हम लोग चार टूल देखे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेट एंड बजट. तो ये चारों टूल्स का इस्तेमाल करके
नंबर वन इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर टू रिड्यूस द टैक्सेस, नंबर थ्री रिड्यूस द गिव मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, एंड नंबर फोर बजट मेजर्स, ब्रिंग आउट बजट मेजर्स एंड इनिशिएटिव्स सो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोज अप. तो एक तो ब्रॉडली हो गया, ब्रॉडली क्या हो गया, ब्रॉडली ये हो गया कि दो दो पार्ट्स हैं, एक कॉन्ट्रैक्शनरी है दूसरा एक्सपेंशनरी है. दूसरी चीज जो हमको समझनी है ट्रेड साइकिल से कि इकोनॉमी हाउ डज इट मूव. तो देखिए इकोनॉमी जब स्टार्ट होती है तो पहले वो पीक पे पहुंचती है, एंड दिस इज द पीक दैट यू कैन सी, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू सी ऑन दिस ग्राफ इज योर पीक पॉइंट. तो यहाँ एक पीक पे पहुंचती है, पीक पे पहुंचने के बाद क्या होता है एंड जरा समझ के लीजिए. सो व्हेन द इकोनॉमी इज इन बूम पीपल टेंड टू बिकम इरेशनल. एंड व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से पीपल टेंड टू बिकम इरेशनल, दे टेंड टू बिकम इरेशनल. उनको लगता है कि इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ रही है, यानी कि जो डिमांड है वो बहुत ज़बरदस्त है और वो डिमांड हमेशा ज़बरदस्त रहने वाली है. सो वॉट पीपल स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट ओवर इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. सो वेन दे स्टार्ट ओवर स्पेंडिंग इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कैपेक्सेस, देन वॉट हैपेंस, सडनली देर इज ओवर कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. So one, there is an overcapacity in the economy that results into the pressure on the margins of the manufacturer, and the pressure on the margins of the manufacturer brings lower profitability to all the manufacturer. And then अब एक तरफ क्या हुआ, एक तरफ तो आपकी profitability कम हो गई यानी कि आपकी EBITDA कम हो गई, और दूसरी तरफ चूंकि आपने एक्सपेंशन किया हुआ है, लोन लिया हुआ है, आपके हाथ में डेट आ गया, एंड दैट हिट्स द इकोनॉमी वेरी बैडली. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, द इकोनॉमी स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, एंड इट स्लाइड्स डाउन, इट इज कम टू अ ट्रफ. ट्रफ में क्या होता है कि कुछ जो मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ जो प्लेयर्स हैं, दे गेट आउट ऑफ द बिजनेस. उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन. तो जो ओवर कैपेसिटी बिल्ड हुई थी वो ओवर कैपेसिटी वापस एक लेवल पे आ जाती है. क्यों लेवल पर आ जाती है, या तो बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल बिकॉज देश की जनता बढ़ रही है. सो जनता बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो ओवर कैपेसिटी थी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, दैट ओवर कैपेसिटी बिकम्स ए नॉर्मल कैपेसिटी. And since that overcapacity, because of increase in the population, becomes normal capacity, what happens? The economy starts rising up again. And then first it reaches to a point which is same as your peak point. Jo previous jo peak hai, jab wahan tak pahunchti hai, usko bolte hain recovery phase. To pehle peak hua, phir trough hua, aur trough ke baad mein phir recovery phase. Ab isko recovery phase kyun bolte hain? Isko recovery phase isliye bolte hain ki trough se, from the point of trough, it has come to the point of the previous peak, and that is why it is referred as recovery. That means the economy has risen up and has reached to a point which is the previous peak, and this phase is known as recovery. Yani ki itna recover kar liya, uske baad mein jo jo economy mein growth hoti hai, that is referred as prosperity. That is referred as prosperity. And why it is referred as prosperity? Because now economy is producing something more than what was its previous best, and this increase in the GDP, this increase in the income of the country, it leads to prosperity. And government's role has to be that jaise hi pehli baat to ye jo peak pe peak ka jo hai wo badhte rehna chahiye, wo slide nahi hona chahiye. Government ki policy aisi honi chahiye कि देर शुड नॉट बी ए स्लाइड, बट यू कॉन्ट होल्ड इट, यू कॉन्ट, यू कैन मिनिमाइज द ड्यूरेशन बट यू कॉन्ट मेक इट जीरो. देन वॉट द गवर्नमेंट हैज़ टू डू, वंस द इकोनॉमी इज इन अ ट्रफ, देन वॉट द गवर्नमेंट हैज़ टू डू, गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ऑल द मेजर्स. एंड रिमेंबर, फॉर दैट यू नीड अ विजनरी लीडरशिप, फॉर दैट यू नीड अ लीडर हु इज ड्रिबन बाय वेल बींग ऑफ हिज पीपल. यानी कि देश में नेता ऐसा होना चाहिए, देश में मतलब दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया की सारी इकोनॉमीज में जो भी टॉप लीडरशिप हो, टॉप लीडरशिप, वो टॉप लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, वो टॉप लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिसके मन में
उसके देश के जनता के लिए करुणा का भाव हो, प्रेम का भाव हो, स्नेह का भाव हो, चिंता का भाव हो। टॉप लीडर को लगना चाहिए कि मेरे देश का एक भी आदमी भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। टॉप लीडर को लगना चाहिए कि मेरे देश में कोई भी आदमी दवाई के अभाव में नहीं मरना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। एंड जब एक आदमी, एक लीडर इस भाव से काम करता है, इस सोच से काम करता है, तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत कंसिस्टेंटली ग्रो करती है, और उस इकोनॉमी में ये ट्रफ बहुत कम आते हैं, प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा रहती है। सो इकोनॉमी लाइक जापान इज एन एग्जाम्पल ऑफ द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक साइकिल ऑल मीन द सेम थिंग। एंड आई वुड लाइक टू मैंशन हियर वंस अगेन कि ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल इज नॉट अ मियरली अ ग्राफ, इज नॉट मियरली अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ वेरी पावरफुल इंडिकेटर, इट इज़ अ वेरी पावरफुल बैरोमीटर दैट कैन हेल्प अ गवर्नमेंट टू टेक राइट काइंड ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, टू ब्रिंग आउट राइट काइंड ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड डू द थिंग्स दैट वुड एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर एवरीबडी, दैट वुड एंश्योर 100% एम्प्लॉयमेंट, दैट वुड एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ फॉर एवरीबडी, एंड दैट वुड एंश्योर एक्सलरेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, टू फेजेस, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी, दैट इज ओवरऑल। उसके अलावा हाउ डज द इकोनॉमी मूव्स, इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम द पीक टू द ट्रफ, फ्रॉम ट्रफ टू द रिकवरी एंड फ्रॉम रिकवरी टू द प्रॉस्पेरिटी। वॉट अ गवर्नमेंट शुड डू, गवर्नमेंट शुड कम आउट विद द पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट वुड एंश्योर दैट द प्रॉस्पेरिटी फेज कीप्स राइजिंग अप। सो दिस इज फ्रेंड्स ऑल अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चन वॉट एवर दे मे बी। थैंक यू।